Pakistan chess team is playing Asian Amateur Chess Championship. So we are here on a tour. They're showing us history museum of Oman, and then we will go on the beaches, and today we tour the whole city. So yeah, I'll take you along with me. और ये है म्यूजियम का बाहर का हिस्सा और इसके अतराफ में आप देख सकते हैं और भी काफ़ी कुछ बना हुआ है. ये सब ये म्यूजियम का पार्ट ही है. द नेशनल म्यूजियम ये हम अपने पूरे ग्रुप के साथ आए हुए हैं नेशनल म्यूजियम में. ये हम जी एंटर हो रहे हैं यहाँ. ऑलरेडी एक ग्रुप आया हुआ है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, फॉरेनर्स का ग्रुप्स हैं यहाँ पर. ये हमारा चेस का ग्रुप है. ये हमारा सामने चेस का ग्रुप है, यहाँ बच्चों का ग्रुप है. ये लोकल ही लग रहे हैं यहाँ पर. ये यहाँ के पुराने और लोकल ड्रेसेस. ये है यहाँ के पुराने वक्तों में पहनी जाने वाली ज्वेलरी. और ये है जी पुराने वक्तों की बोर्ड जो उस जमाने में इस्तेमाल होती थी. अंदर इतना लाइट का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है. अगर म्यूज़ियम ऐसे ही होते हैं जहाँ पर लाइट काफ़ी कम रखी जाती है, बट शायद वीडियो के लिहाज से लाइट कम है. मैं यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर अरबी है और इंग्लिश भी जी लिखी तो हुई है लेकिन बहुत काफ़ी बारीक है. काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने अपनी पुरानी रवायात को ज़िंदा रखा हुआ है और उसको महफूज रखा हुआ है. और ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पर. बहुत खूबसूरत म्यूजियम है, सो ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन.
ये हैं जी इनके पुराने बादशाहों के ज़माने के जेवरात, और ये जनाब इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये जी मॉडल ऑफ नेशनल म्यूज़ियम, जो इनका पूरा हम नहीं देख सके लेकिन काफ़ी हद तक कवर किया है। ये इसका पूरा मॉडल है जी नेशनल म्यूज़ियम का।